अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। तो इस तरह से भगवान तो सब पाप काट ही देते हैं, लेकिन अब इस भरोसे और पाप करते जाएं इसके लिए नहीं कह रहे हैं। जो अनजान में पाप हो गया है वो तो भगवान के एक नाम से कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नामाभास से कट जाता है, लेकिन जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए। तो हम लोग जग करेंगे तो आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। वृत्रासु तो खल है, इसको मारने में क्या है, इस तरह से वे लोग कहे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं संचोदितो विप्रैः मरुत्वा न हनद रिपुं ब्रह्म हत्या हते तस्मिन् आससाद वृषा कपिम। इस प्रकार ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने प्रेरित किया इंद्र को कि वृत्रासुर का वध करो, उनकी बातों में आकर के इंद्रदेव वृत्रासुर का वध कर दिए, जैसे कल कथा हुई थी। लेकिन ब्रह्म हत्या हते तस्मिन् आससाद वृषा कपिम, उस ब्राह्मण का वृत्रासुर का वध करने के बाद इंद्र पर ब्रह्म हत्या लगी, ब्रह्म हत्या लगी, और उस ब्रह्म हत्या से इंद्र को बहुत कष्ट सहना पड़ा। तया इंद्र असहत तापम, बहुत दुख सहे। क्या दुख था इंद्र को, निर्वृत्ति नामुना विषत, इंद्र के मन में थोड़ा भी आनंद प्रवेश नहीं किया, कुछ भी मन में आनंद नहीं था। क्यों, हृमंतम वाच्यताम प्राप्त सुखयंतपि न गुणा। कोई व्यक्ति यदि वास्तव में लज्जाशील है और उसकी इज्जत है संसार में, लेकिन जब वह वाच्यता को प्राप्त हो जाता है, किसी कर्म के द्वारा जब लोग उसकी निंदा करने लगते हैं, तो उसकी निंदा जब होती है तो उसके बड़े बड़े गुण भी उसको सुखी नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, धनी है, पहले बहुत अच्छा कर्म किया है, लेकिन जब लोक में उसकी निंदा होने लगती है तो उस व्यक्ति को ये सारे गुण, धन, विद्या और सब सुखी नहीं कर पाते। इंद्र एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, परंतु दुनिया में सब जगह लोग कहने लगे, पहले तो जय जयकार किए, पहले जय जयकार किए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने कहना चालू किया, ये इंद्र स्वर्ग का लोभी है, बताओ स्वर्ग के लोभ में ब्राह्मण की हत्या किया, एक बार अपने गुरु की जान मारा फिर ब्राह्मण की हत्या किया, बस यही इसकी आदत है। इसको वाच्यता कहते हैं। किसी सम्मानित व्यक्ति की इस तरह से निंदा फैले तो और सब गुण होते हैं, विशेषता होते हैं भी उसको सुख नहीं मिलता है। ये संसार में सबका अनुभूत विषय है, किस तरह से निंदा से व्यक्ति को दुख होता है। और उतने पवित्र व्यक्ति को, इंद्र को, सब लोग यही कहते थे, अरे हमेशा से इसकी यही आदत, गुरु का वध किया, किस लिए वध किया, स्वर्ग का सुख भोगना चाहता है, अरे ब्राह्मण का वध किया, बताओ वैष्णव का वध किया, यही तो इसका काम। जो देवता दुनिया के हित के लिए सब किया उसी पर धूल उछाली जा रही थी। इसीलिए इंद्र का पद, इंद्र का वैभव, इंद्र का के स्वजन, इंद्र की विद्या पर कुछ भी उनको सुखी नहीं कर पाते थे। इस काम के लिए चारों तरफ निंदा हो रही थी, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और वैसे मूर्तिमती होकर के ब्रह्महत्या उनके पीछे चली। ताम ददर्शानुधावन्तीं चांडालीमिव रूपिणीं जरया वेपमानांगी जक्ष्मग्रस्ताम् अश्रिकपटाम्। ब्रह्महत्या को देखा इंद्र ने कि वह चंडाली के वेश में उनके पीछे दौड़ी। इंद्र भाग चले तो उनके पीछे अनुधावंतिम, धावंतम इंद्रम अनुधावंतिम, दौड़ते हुए भागते हुए इंद्र के पीछे ब्रह्महत्या चली। और ब्रह्महत्या कैसी थी, चंडाली जैसी रूप बनाई थी, एकदम मूर्तिमान ब्रह्महत्या। जरया वेप मानांगी, जरा के कारण, बुढ़ापा के कारण उसका शरीर कांप रहा था और जक्ष्मग्रस्ता, उसे
क्षय रोग हो गया था, टीबी को क्षय रोग कहते हैं। उस रोग में मनुष्य के मुख से खून आता है, तो जक्ष्म ग्रस्तान अश्रिक पटान, वो ब्रह्महत्या ऐसी थी कि उसके मुख से खून निकल रहा था, और खून ऐसा था कपड़े पर, पटान पट पर, वस्त्र पर खून लगा हुआ था। अब अगर उल्टी होती थी, बमन होता था खून का, तो कपड़े पर भी लगा था, वो बाल को बिखेरी थी, बिल्कुल दुबली पतली, और विकीर जो पलितान केसान, उसके केस बिल्कुल उजले हो गए थे ब्रह्महत्या के, और उसके बाल बिखरे हुए थे, और तिष्ठ इति भाषिण, और बार बार इंद्र को खदेड़ रहे थे, कहते रुको 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 रुको, मैं अभी तुमको बताती हूँ। अब मीन गंध सुगंध है ना, जब वो सांस लेती थी ब्रह्महत्या, तो उसके सांस से मछली की गंध आती थी, इस कारण से कुर्वती मार्ग दूषण, वो जहाँ भी जाती थी मार्ग की हवा दूषित होती जाती थी, मछली की गंध आती थी। मछली की गंध का अनुभव होता है जहाँ पर फिशिंग करते हैं, भेंट द्वार का जाते हैं तो ओखा में मछली सुखवाते हैं, कितनी बदबू आती है, इस तरह की गंध आ रही थी उसके सांस से, और बीच बीच में खून का बमन होता था, कपड़े पर खून लगता था। कहती थी रुको रुको, उसके भय से इंद्र नभो गतो दिशह सर्वा सहस्राक्षो विषामपते। हे महाराज परीक्षित, इंद्रदेव पहले तो आकाश में भागे, लेकिन सब जगह ब्रह्महत्या जा रही थी उनके साथ साथ, तो आकाश से फिर वे सारे दिशाओं में भागे, पताल में भागे, दसों दिशाओं में भागे, लेकिन सब जगह ब्रह्महत्या थी। तो भागते भागते प्राग उदीचिम दिशम तुलनम प्रविष्टो निरपमानसम, पूर्वोत्तर दिशा में वे गए, पूर्व और उत्तर, उधर जा करके मान सरोवर में वे समा गए। और मान सरोवर में कहाँ रहते थे, सया वसत पुष्कर नाल तंतु नलाब्ध भोगो जदिहाग्निदूत वर्षाणि सहस्रमलाक्षितंत सचिंतयन ब्रह्म बधाद विमोक्षम। तो वे उस मान सरोवर के एक कमल में निवास करते थे, कमल के नाल में छेद होती है पतली, तो योग बल से छोटा सा बन करके और इंद्र कमल नाल के भीतर रह रहे थे, वहां ब्रह्महत्या नहीं पहुंच पाई। तो प्रश्न होता है कि इंद्रदेव कितने वर्षों के लिए कमल नाल में रहे, वर्षाणि सहस्रम 1000 वर्ष, 1000 वर्ष तक रहे कमल नाल में, अलब्ध भोग, कोई भी भोग नहीं मिला इस देवता को, पूरी दुनिया का पालन करने वाला देवता है, एक दिन ऐसी विपत्ति में पड़ा कि 1000 वर्ष तक कोई भोग नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, सोने की तो बात ही क्या है, सोए नहीं, खाए नहीं, चिंता में सचिंतन ब्रह्म बधात विमोक्षम, केवल इसी चिंतन में इंद्र थे कि कैसे ब्राह्मण की हत्या के दोष से मुक्त होऊंगा, इस पाप से कैसे मुक्त होऊंगा, इस तरह से चिंतन करते रहते थे, भगवान के चरण कमल का चिंतन करते थे हमेशा। इस विपत्ति में वास्तव में विष्णु के अलावा कौन सहायक हो सकता है, और यह भी यह सीखने लायक बात है कि चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, यदि वह कोई जघन्य पाप करता है तो उसे फल भोगना ही पड़ता है। इंद्र को ऋषियों ने कहा कि मारो, भगवान ने भी कहा था ठीक है इस वज्र से तुम मार सकते हो, लेकिन जब मार दिए वृत्रासुर को तो ब्रह्महत्या लग गई। तो 1000 वर्ष तक वे सौ आवसत पुष्करनाल तंतुम अलब्ध भोगो यदि अग्नि देवता, यद्यपि अग्नि देवता इनके दूत हैं, अग्नि देवता देवताओं को भोजन पहुंचाते हैं, अग्निदेव सबके मुख माने जाते हैं देवताओं के और भगवान के, तो देवताओं को जो दिया जाता है, देना होता है, तो हम लोग अग्नि को देते हैं, अग्नि प्रज्वलित रहता है, लपटे उठती हैं। अगर इंद्र को भी भोजन देना है तो हम लोग बोलते हैं ओम इंद्राय स्वाहा इदम गृहाण, तो अग्नि को ही दिया जाता है देवताओं को जब देना होता है। तो यद्यपि यह अग्नि दूत
यद्यपि अग्नि देवता दूत हैं इंद्र के, लेकिन अग्नि देवता जल के भीतर जा नहीं सकते थे, आगे से और जल से विरोध है, इसलिए चाहते हुए भी प्रसाद नहीं पहुंचा पाते थे। और प्रसाद मतलब देवताओं, देवता लोग तो अमृत खाते हैं, वो लोग केवल लिक्विड पीते हैं, वहां स्वर्ग लोक में सब किचन फिचन नहीं है, वो केवल तरल पदार्थ पीते, सब शरीर में सेट हो जाता है, कोई मल मूत्र नहीं होता है। एक बार मैं ये बात कहा तो एक भक्त कारी बिना मल मूत्र के कैसे रहते, समझ ही नहीं पाया। मैं कहा ये वृक्ष तो रोज खाते हैं, अपने जड़ से मूल से भोजन खींचते हैं, तो ये कहाँ लैट्रिन जाते हैं, वृक्ष भी पेशाब नहीं करते हैं, शौच नहीं करते हैं, तो देवताओं के शरीर में तो मल मूत्र पसीना तक नहीं बनता है, जो खाते हैं सेट कर जाते हैं। वृक्ष से देखिए खा रहे हैं, निरंतर चुसते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर में वो सब सेट कर जाता है। देवताओं का शरीर ऐसा है, उनका अग्निमय वायुमय आकाशमय शरीर है, हम लोगों का भूमिमय है, हम लोग तो आकाश में रह ही नहीं सकते हैं, कोई उठावे तो धड़ाम से गिर जाएंगे, क्योंकि हम लोग पृथ्वी के अंश, माटी के धोंधा इस शरीर को कहा जाता है, माटी प्रधान है इस शरीर में, इसीलिए माटी पर ही रहता है। देवताओं का शरीर आकाश प्रधान, वायु प्रधान, अग्नि प्रधान होता है, इसलिए वो कहीं भी रह सकते हैं, कहीं जा सकते हैं सूक्ष्म। तो देव फिर भी उनको भोजन की जरूरत पड़ती है, तो वह भोजन अग्नि देवता पहुंचा नहीं पाते थे। वर्षाणि सहस्रम अलक्षित। और दूसरी बात यह है कि और लोगों को तो पता ही नहीं था कि इंद्र कहां चले गए, प्राय लोगों को पता नहीं था, घर के लोग थे, अपनी पत्नी थी सची और सब थे, देवता अपने भाई थे कितने, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि इंद्र कहां चले गए। ऐसा दिन बदल जाता है व्यक्ति का, दुनिया का हित करने के लिए एक राक्षस का वध किए, वो भी दूसरे को उकसाने से किए, और आप जब विपत्ति पड़ गई तो कोई नजदीक नहीं आ रहा था, पता भी नहीं था कि वो कहां मर गया है या नहीं है, खबर भी नहीं हुई। मैं पूछा एक बार यहाँ के भक्त से कि अमेरिका में फादर डे होता है तो फादर डे का क्या मतलब है, कि उस दिन पिता की खबर लेते हैं पुत्र लोग, तो भक्त कहता है कि फोन करके देखता है कि मर गया कि जी रहा है। वो कविता कर रहा था भक्त, मैं कहा नहीं नहीं ऐसी बात। और दूसरे एक व्यक्ति कहा कि नहीं, उस दिन पिता को गिफ्ट देते हैं, लेकिन जब सालों भर संग है ही नहीं तो फादर डे के दिन सम्मान कर लेते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन इंद्र की तो खबर लेने वाला कोई नहीं था। बिना खाए पिए 1000 वर्ष तक उस देवता को रहना पड़ा, जो देवता सबके भोजन की व्यवस्था करते हैं, उसको थोड़ा और पीछे फैला लीजिए आसन को, लोग बिना आसन के बैठे हैं ना, अथवा आगे आ जाइए। वो बहुत दूर फैल सकता है। सचिंतन ब्रह्म बधात विमोक्षम। कैसे ब्रह्म हत्या के पाप से छूटूंगा, इंद्र यही चिंतन करते थे, अर्थात भगवान का चिंतन करते थे। तो यह प्रश्न होगा कि जब स्वर्ग के राजा इंद्र 1000 वर्ष तक स्वर्ग से दूर रहे, तो स्वर्ग का शासन कौन संभालता था, कौन ये सब वर्षा आदि की व्यवस्था करता था, देवताओं को उनके कार्य में नियुक्त करता था। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तावत त्रिणाकम नहु ससास विद्या तपो योग बलानुभाव
सम्पदै स्वर्ज मदांध बुद्धि नीत स्थिरश्चाम गतिमिंद पत्न्या। तावक त्रिणाकम नहुसह ससास। त्रिणाक कहते हैं स्वर्ग को। जब तक है भगवान इंद्र मान सरोवर के कमल नाल में रह रहे थे, उस समय नहुस महाराज स्वर्ग के इंद्र बने हुए थे। क्यों? विद्या तपो योग बला अनुभाव। उनमें विद्या थी, तपस्या थी और योग बल था, इसलिए एक मनुष्य जा करके इंद्र के पद पर बैठाया गया, सभी देवताओं का मालिक बनाया गया। इस संसार में अद्भुत शक्तिशाली मनुष्य हुए हैं, जिनको यहां से आग्रह करके प्रार्थना करके स्वर्ग ले गए लोग और इंद्र के पद पर बैठाए। इसका मतलब और देवता योग्य नहीं थे इंद्र पद संभालने के, तो नहुस महाराज संभाले। नहुस महाराज सोम वंश में एक राजा हुए हैं। जैसे सबसे पहले भगवान, भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से जजाति, जजाति से जदु, इस तरह वंश परंपरा चली। इन्हीं नहुस के वंश में ही भगवान जन्म लिए, भगवान श्री कृष्ण। तो नहुस में बहुत बड़ी विद्या थी, वेदों का अध्ययन था, विश्व के पालन की जो कला है वह जानते थे, और तपस्या भी थी। तपस्या का अर्थ है कि वे इंद्रियों के भोगों में नहीं थे, भोगों में रुचि नहीं थी, कंट्रोल था इंद्रियों पर, और योग बल। योग का अर्थ है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बन सकते थे, बड़ा से बड़ा बन सकते थे। इंद्र का पद बहुत महत्वपूर्ण पद है, तो उसे संभालने के लिए इतना बड़ा योग्य व्यक्ति चाहिए। तो नहुस महाराज को देवता लोग बुला करके ले गए, कि महाराज अब चलिए, स्वर्ग खाली है, आप उस पद को संभाल दीजिए। तो नहुस महाराज गए, बहुत काल तक रहे, लगभग 1000 वर्ष तक इंद्र रहे, लेकिन सम्पदैश्वर मदांध बुद्धि नीतश्चिर तिरश्चाम गतिमिंद्र पत्न्या। लेकिन जब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग का ठाट बाट कुछ और था। सारी देवता प्रणाम करते थे, सबको एक कार्य बांटते थे, तो संपत्ति और ऐश्वर्य, धन और ऐश्वर्य के मद से उनकी बुद्धि अंधी हो गई, और 1000 वर्षों तक भोगते भोगते ये धन का और पद का स्वभाव होता है, आदमी को अंधा बना ही देता है। इस संसार में ये धन और पद ऐसी वस्तु है, इसके पहले आदमी देखता है, लेकिन वो पद और धन प्राप्त पा जाने के बाद वो अंधा हो ही जाता है निश्चित। तो सम्पदैश्वर्य मदांध बुद्धि नीतस्त तिरश्चाम गतिमिंद्र पत्न्या। इंद्र पत्नी के द्वारा वही नहुस एक दिन सांप बना दिए गए, ये दशा हो गई। तो कथा इस प्रकार से है महाभारत में कि नहुस महाराज जब स्वर्ग में इंद्र बन गए, तो इंद्र पद को पर रहते हुए भोगते हुए स्वर्ग का सुख, लगभग 1000 वर्ष के बाद उनके मन में यह बात आई कि इस समय मैं इंद्र हूँ, तो इंद्र का भवन मेरे लिए है, इंद्र का चामर, इंद्र का छत्र, इंद्र का जो कुछ भी है वो मेरे लिए है, तो इंद्र की पत्नी भी मेरे लिए है। ये देखिए बुद्धि आ गई, इस तरह का दुर्विचार आना है। इसमें कारण, इसमें दोष उनका नहीं है नहुस महाराज का, उस पद का दोष था, उस धन में दोष था, इन्होंने बताया है आगे चल करके, वो कथा में संक्षेप में कहूंगा। तो एक दिन उन्होंने सची को, जो भगवान इंद्र की धर्मपत्नी थी, उसको इन्होंने संवाद भेजा कि इस समय मैं इंद्र हूँ, इसलिए तुम मेरी सेवा में उपस्थित हो, मेरे बेड पर आया करो। सीधा आदेश हुआ। वो तो पति प्राणा पतिव्रता स्त्री थी, वो सुनते ही
बेचारी बहुत दुखित हो गई, रोने लगे, अब किसका सहारा ले। अभी नहुष महाराज की आज्ञा थी, उसको टालना भी बहुत मुश्किल का काम था, तो बेचारी उस विपत्ति में अपने गुरु की शरण ली, बृहस्पति जी की। उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है गुरु महाराज, गुरु तो पिता के समान होते हैं, अब वही सहारा देते हैं, तो ये दशा है, नहुष महाराज ने हमसे ये कहा है, ऐसा कहा है, हम क्या करें। तो गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि बेटी चिंता मत करो, तुम स्वीकार कर लो कि ठीक है, मैं आपको स्वीकार करती हूँ, लेकिन एक शर्त करती हूँ कि आप इतने बड़े हैं, इंद्र हैं, बड़े पद पर हैं, तो ये सप्तर्षि लोग जो हैं ये तो आपके सेवक हुए, ये ब्राह्मण हैं तो क्या आपके सेवक हुए, तो यदि आप सप्तर्षियों को अपने पालकी में लगा करके और उस पालकी पर चढ़ करके मेरे पास आएंगे तो मैं आपको स्वीकार करती हूँ। जब सच्ची ने इस तरह से मानो एक बनावटी लव लेटर लिखा कि ठीक है नहुष महाराज, मैं आपको स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप बहुत बड़े हैं, अतः इन ब्राह्मणों को पालकी में जोतिए, जिसमें दुर्वासा जी भी थे, अगस्त मुनि थे, सप्तर्षि उस समय, ये लोग पालकी लेकर आएंगे आपको, तो मैं आपको स्वीकार कर लूँगी। एक खबर है वो तो धन और मद से अंधे हो रहे थे, उन्होंने सोचा सप्तर्षि या कोई ब्राह्मण मेरे सामने क्या है, बस इतनी बेचारी की शर्त है तो मैं मान लेता हूँ। उन्होंने तुरंत सप्तर्षियों को बुलाया, सात ऋषि जो इंद्र को सहायता देते हैं वेद शास्त्र पढ़कर, उन्होंने साफ कहा कि आप लोग तो कोई काम धंधा करते नहीं हैं, बैठे रहते हैं, तो हमें सच्ची के घर जाना है और आप लोग पालकी में कहार बनकर लगो। वे ब्राह्मण कभी एक किलो का भी बैग नहीं उठाए थे, केवल किताब वेद शास्त्र पढ़ते थे, और ये आदेश हो गया है। और यह राजपूत तो ये स्वर्ग में खा पी करके और मोटा तगड़ा हो गया था, तो स्वस्थ भारी देह था। तो आज्ञा हुई, नहुष को चढ़ने में संदेह थोड़ी भी हिचक नहीं हुई पालकी पर। इसके बाद अगस्त जी लगे और सब लगे, अगस्त जी आगे लगे हुए थे, और आगे में भी अब तो सात ऋषि थे तो पता नहीं कौन चार उधर लगे थे, तीन किधर लगे थे, लेकिन अगस्त जी बिल्कुल सामने पड़ते थे। पालकी ऐसे खुली थी, बहुत सुंदर सोने की उसे मढ़ी हुई, इसलिए वो भी भारी थी, सोना भारी होता है। फिर बैठे थे, काम से इतना उन्मत्त हो रहे थे नहुष, वो कह दिए कि सर्प सर्प, सर्प का अर्थ होता है सर को, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, इसको सर्प कहते हैं। सर्प जो होता है वो छलक कर चलता है तेज, इसीलिए उसको सर्प कहते हैं। तो नहुष काम वासना से बिल्कुल उन्मत्त हो रहे थे, उन्होंने कहा सर्प सर्प। तो ये ऋषि लोग इतने अभ्यस्त नहीं थे कि कहार जैसे सावस सावस कहते हुए पालकी ढोवे, वो तो बेचारे धीरे धीरे चल रहे थे। तो नहुष को इतना अभिमान हो गया, इतना भी जल त्वरा में थे कि अगस्त जी पर उन्होंने लात मारा, लात से मारा और कहा कि तुम क्यों देरी करते हो, सर्प सर्प। जब पैर से मारे और सर्प कहे तो वे सप्तर्षि पालकी रख करके, और अगस्त जी ने साफ दिया तुम सर्प सर्प कह रहे हो, तुरंत सर्प हो जाओ। और ये अब तो इतना सुनना था कि नहुष महाराज का होश उड़ गया, अब उन्हें ज्ञान हो गया कि मैं कितनी गलती कर रहा था, ओहो मैं क्या सोच रहा था। लेकिन उन्होंने अगस्त जी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगा, कहा कि हे ऋषि ठीक है मेरी गलती के कारण आपने हमको साथ दिया, परंतु आपके चरणों में यही मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करके बताइए कि मेरा यह सर्प योनि से कब उद्धार होगा, आपका साप कब नष्ट होगा। तो अगस्त जी को दया आ गई, उन्होंने वरदान दिया कि